हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष है और लास्ट सेशन में हमने ओलाप्लेक्स के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रिजी हेयर। फ्रिजी हेयर होते कैसे, फ्रिजी हेयर क्यों होते हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। आपको होम केयर बताएंगे कि कौन सा शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा मास्क यूज़ करना चाहिए और कौन सा सीरम आपको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रिजी हेयर क्यों होते हैं। ठीक है, फ्रिजी हेयर सबसे ज़्यादा कर्ली हेयर में होता है। क्यों? कर्ली हेयर का जो पोरस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब उसमें वाटर लेवल कम होता है। तो उसमें जो छोटे छोटे जो हेयर होते हैं फ्रिजीनेस वाले हेयर, तो वो बाहर की तरफ टर्न होते हैं, उसमें एक शाइनिंग नहीं होती, एक सॉफ्टनेस नहीं होती। तो उसके लिए ज़्यादातर क्लाइंट्स बहुत तरीके की शैम्पू यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक शैम्पू बताऊँगा कि आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए और कौन सा मास्क करना यूज़ करना चाहिए और कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास है एक बजट में आपके पास लॉरियल का लेस अनलिमिटेड शैम्पू। लेस अनलिमिटेड शैम्पू की जो टेक्नोलॉजी है वो है प्रो केरेटिन। मतलब प्रो केरेटिन इसलिए क्योंकि जो हमारा जो हेयर बना है वो एक केरेटिन चेन से बना है। तो केरेटिन चेन जब तक हमारी हेल्दी नहीं होगी, तो जब तक हमारा हेयर हेल्दी नहीं होगा, तो ये आपकी केरेटिन चेन में जाएगा। आपके बालों का जो पोरस लेवल है, मतलब आपके बालों में जो एक वाटर लेवल है उसको कंट्रोल करेगा, उसमें ऑयल को फिल करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है। मतलब इवनिंग प्राइम रोज ऑयल जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो इवनिंग प्राइम रोज ऑयल है। जो आपके बालों में ऑयल जाएगा तो उससे आपके बालों में सॉफ्टनेस आएगी और आपकी जो फ्रिजीनेस है वो कंट्रोल होगी। जब आपकी फ्रिजीनेस कंट्रोल होगी तो आपको खुद ब खुद आपका जो हेयर है स्मूथ दिखेगा और वो डाउन होती भी दिखेगी। आपको फ्रिजीनेस जो आपका कर्ल पैटर्न है वो बहुत फिनिशिंग लुक से दिखेगा। और उसके बाद जब शैम्पू करेंगे, शैम्पू करने के बाद आपको मास्क यूज़ करना है। मास्क है इसी का ही सेम लेस अनलिमिटेड का। इसको सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करें। सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करने के बाद इसको 10 टू 15 मिनट्स स्टे कराना है। देन उसके बाद आपको ब्रॉड टीथ वाली कोई भी कॉम, डिटेंगल ब्रश हो गया या डिटेंगल कॉम हुई, तो आपको वो यूज़ करना है, जिससे आपको छोटे छोटे सेक्शन में आप डिटेंगल एक बार कर लें, जिससे आपका जो मास्क है वो स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने से क्या होगा, सेक्शन आपका जो एक एक हेयर में ज़रूरी है वो लगना, जिससे आपका जो हेयर में जो वाटर लेवल है वो कंट्रोल होगा, क्यूटिकल्स लॉक होगा। तो आपको वॉश के बाद देखेंगे आपका जो हेयर है वो फ्रिजीनेस धीरे धीरे कंट्रोल होती हुई दिखेगी। देन उसके बाद आपको यह करना, कभी भी ना, आपको मैं एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा, जब आप कर्ली हेयर को आप ड्रायर करते हैं तो कभी भी हेड डाउन करके या उसको इस तरीके से ड्रायर नहीं करें। उसको नेचुरली सूखने दें, उसको कर्ल पैटर्न में सूखने दें। तो कभी भी उसमें कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, जैसे सीरम या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट कोई भी आप लगाते हैं, तो उसको स्क्रंच करके लगाएं। स्क्रंच करने से क्या होगा, वो उसी पैटर्न में सूखेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ईजिली लग जाएगा। तो आप शैम्पू, कंडीशनर और इसी का ही सेम सीरम आता है लेस अनलिमिटेड का, आप वो यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या आप बाहर सलोन से आप करा रहे हैं वॉश, तो आप लेस अनलिमिटेड का ही शैम्पू और लेस अनलिमिटेड का ही मास्क यूज़ करें। बट मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करूँगा, आपकी स्कैल्प ऑयली है तो ये शैम्पू यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है। तो इसकी जगह आप कोई और शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके बालों में कोई कलर है या आपके बालों में जैसे नेचुरल भी है, जैसे नेचुरल कोई कलर भी नहीं है, तो आप विटामिनो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। उस शैम्पू से क्या होगा, आपका एक पीएच मेंटेन रहेगा, आपके नेचुरल बालों का कलर भी प्रोटेक्ट रहेगा, तो वो फेड आउट नहीं होगा। और लेस अनलिमिटेड का मास्क यूज़ करें, उससे आपकी जो फ्रिजीनेस है वो कंट्रोल होगी। तो जो फ्रिजीनेस के बाद होने वाली जो ब्रेकेज है वो से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपका जब बाल फ्रीज होता है तो सबसे पहले उसमें से वाटर लेवल कम होता है। जब फ्रीज कंट्रोल हो जाएगा तो आपकी जो ब्रेकेज है वो नहीं होगी, वरना फ्रिजीनेस को आपने कंट्रोल नहीं करा तो वो ब्रेकेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। तो आपको अपने हेयर के लिए आपको लेस अनलिमिटेड का ही शैम्पू और लेस अनलिमिटेड का ही मास्क यूज़ करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप देखिएगा। एक और बात कि जब भी आप सलोन में वॉश कराने जाएँ तो आप हमेशा हेयरड्रेसर से पूछें कि आप शैम्पू कंडीशनर कौन सा यूज़ करेंगे, आपको पता होना चाहिए। और आप उनसे पूछें कि भैया मेरे ये हेयर हैं या सर मेरे ये हेयर हैं, तो अब मेरा शैम्पू कंडीशनर कौन सा जाएगा, आप उनसे ज़रूर पूछें। आप लोग नहीं पूछोगे तो हम लोग कुछ भी या कोई भी हेयर ड्रेसर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, उससे आपका बस हेयर क्लीन तो हो जाएगा बट वो रिपेयर या जो आपके हेयर में प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप हेयर ड्रेसर से पूछें कि आप कौन सा शैम्पू और कौन सा कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप पूछेंगे और जब आप उसके बाद उस शैम्पू कंडीशनर का रिजल्ट देखोगे आप, तो आपको आप खुद दिखेगा आपके हेयर में धीरे धीरे जो आपकी फ्रिजीनेस है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, और आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।